जिस भी सदस्य को सबसे ज्यादा शॉक मिलेगा वो इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। इंसान नंबर वन। तो भाई कल होने वाले हैं नॉमिनेशन टास्क, जिसको लगेगा सबसे ज्यादा करंट वो होगा इस घर से बाहर होने के नॉमिनेट। जी हाँ, और कल अपने ही धोखा देने वाले हैं अपनों को। जी हाँ, श्रुति का देने वाली है शिल्पा को धोखा, और ऐसे ही जो है एलिस देने वाली है ईशा को धोखा, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। और अविनाश तो सबका फेवरेट है, वो भी होने वाला है नॉमिनेट। तो जब ये बार बार नॉमिनेट होगा ना, अविनाश खुद ही ये पलटी मार जाएगा इस बचकान गैंग से और दूर हो जाएगा इस गैंग से, क्योंकि उसे भी इस गेम में टिकना है। बचकान बना तो करते करते अगर वो नॉमिनेट ही होता रहेगा तो क्या कर लेगा वो, और ज्यादा लंबा तो फिर नॉमिनेशन में टिक नहीं पाएगा। किसी बड़े के साथ नहीं फंस गया तो फिर तो लग जाएगी, एक बार तो रिटर्न आ गया, दूसरी बार तो रिटर्न आ नहीं पाएगा। तो भाई कल के नॉमिनेशन टास्क में क्लियर है कि कल शिल्पा भी नॉमिनेट होने वाली है, कल श्रुति का भी नॉमिनेट होने वाली है, अविनाश तो ऑब्वियसली होने वाला है, और एक और जो बंदा कल नॉमिनेट होगा वो है करणवीर मेहरा। जी हाँ, ये चार लोगों के नाम अब तक हमारे सामने आए हैं कि ये लोग नॉमिनेट होने वाले हैं कल के टास्क में। तो देखते हैं और कौन नॉमिनेट होने वाला है और किसके ज्यादा चांस है इस घर से बाहर निकलने के, वो तो हमें एपिसोड देखकर ही समझ में आ जाएगा। और जो एक और बात है भाई, शिल्पा यार शादीराम घर जोड़े बन गई है। पूरे एपिसोड में ऐसा लगता है कि चुम और करण के पीछे ही लगी हुई कि इन दोनों को कहीं से पहचान भी करवा दे। आज भी ट्राई कर रही थी और ये ऐसा लग रहा है कि सीजन में घर से बाहर निकलते निकलते इनका रिश्ता करवा कर ही जाएगी। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।